नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिवीजन चैनल में। आज हम देखेंगे घटना चक्र का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, भूगोल का जीएस पॉइंटर। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड, महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी संबंधित किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। और महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रियर ने किया था। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, कौन सी है? मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्धमेखला या मिल्की वे। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके तापमान का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटनाएं कृष्ण विवर। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण क्षेत्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि किसी भी प्रकार के विकिरण के बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। सुपरनोवा है एक मृत पर्याय तारा होता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 88। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि क्या हैं? खगोल वस्तुएं हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार या कृष्ण मास्टर। एक निश्चित आकृति के में व्यवस्थित ताराओं के समूह कहलाता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। उस तारे का नाम है बिटलग्यूज। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? पृथ्वी का है 5.5। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व हैं लोहा है 35%, ऑक्सीजन 30, सिलिकॉन 15। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 × 10^15। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। चलिए देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का वह भाग नहीं है, निहारिका नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.46 बिलियन वर्ष पूर्व। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है कितनी? 8। अगस्त 2006 में पहले 9 थी लेकिन प्लूटो को उसमें से ग्रह में नहीं रखा गया है। सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है कौन कौन से हैं? बृहस्पति और शनि हैं। सूर्य ग्रह से दूरी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध तथा एवं शुक्र। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है वे अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वरुण। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। गोल्डिलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक, विलयक, डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पदचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा न्यू मून डे को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। खग्रास या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है।
पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम कहा अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756। चलिए कथन और कारण देखते हैं। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण देख लेते हैं। पृथ्वी एक प्रसिद्ध गोला नहीं है, एक गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर या आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। भूपर्पटी में बहुतायत में से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य में चला प्रकाश समय लेता है 8 मिनट 17 या 16 सेकेंड। विषुववत या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है 20-21 मार्च या 22-23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता होगा विषुववत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 व 22 दिसंबर को। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा 20 व 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 व 22 दिसंबर को। ग्रीस अयनांत प्रतिवर्ष होता है 20 व 21 जून को। चट्टाने, सही कथन क्या है? परतदार चट्टाने पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्वान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टाने विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य क्या है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है, ये वे क्रिस्टले तथा अक्रिस्टले दोनों ही होती हैं। क्रांग्लोमरेट ग्रेनाइट शैल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते तो वो ग्रेनाइट चट्टान होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय व तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। अवसादी शैल का उदाहरण है बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि में। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है जलवाष्प। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटापैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। माउंट एंटीना पर्वत है एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित मोनालोआ है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं? कोटापैक्सी है, एटना, फ्यूजियामा, विसुवियस। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो एक है आग्नेयगिरी या वोल्केनो कह सकते हैं। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह है स्ट्रॉम्बोली। संसार की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाइयो। देखते हैं भूकंप, भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वो होती हैं पी एस और एल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड लेव। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर में से। सत्य कथन बताए क्या है? तो भूकंप की तीव्रता को मर्कली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी सब संबंधित से जापानी भाषा से। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी व नाभिकीय विकिरण का सामना किया था वो था फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। चलिए देखते हैं महाद्वीप, वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका, कितने हैं? 54 देश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है दक्षिणी ध्रुव या पर है अंटार्कटिका। विश्व की पर्वत श्रेणियां, पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नवीन मोड़दार पर्वतों पर।
विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी आल्पस पर्वत मालाएं स्थित है न्यूजीलैंड में। आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है बर्मीज अराकान योमा पर्वत। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। जबकि ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में और ब्लैक पर्वत है यूएसए में। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण हैं पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पेनाइन जो है वो यूरोप की पुरानी पर्वत श्रृंखला, अल्पेशियन अमेरिका की। ड्रागेन्सबर्ग पर्वत अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत अवस्थित है अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूशिनिया में। पठार और घाटियाँ। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पैटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड। संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविस गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में। घास मैदान। प्रेरीज जो हैं वो उत्तरी अमेरिका में, पास और लानोज हैं दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना में हैं। स्टेपीज हैं यूरोप में पाए जाते हैं, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, केनिया में सवाना, अर्जेंटीना में पम्पास और वेंजुएला में लानोस पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान है पम्पास। सवाना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। स्टेपीज है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। सेल्वास है उष्ण कटिबंधीय और टैगा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। अधीन क्षेत्र। देश ऑस्ट्रेलिया, इसके अधीन क्षेत्र में आता है क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, यूएसए, सांता क्रूज, फ्रांस, मार्टिनिक। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है वह है ग्रीनलैंड। स्थल रुद्ध देश। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाहौस तथा लग्जमबर्ग में से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है वह है लाइबेरिया। जबकि अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये जो है स्थल अवरुद्ध देश हैं। अफ्रीका देशों अंगोला, चाड, केनिया तथा सेनेगल में से स्थल अवरुद्ध देश है चाड। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में स्थल अवरुद्ध देश है तो लाओस है। बोलिविया भी है एक स्थलरुद्ध देश है। चलिए, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैग्नीनॉट रेड रेखा जो है फ्रांस और जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है वह है उत्तर अमेरिका। स्थलबाधित देश है अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड। दक्षिण सूडान के लिए सही कथन यह है कि स्थलावृत देश है, इसकी मुख्य नदी वाइट नील है। अंतर महाद्वीपीय देश है जॉर्जिया और टर्की। अजरबैजान नहीं है एक भूआबद्ध देश। देशों के पुराने नाम। सियाम, थाईलैंड, फार्मोसा, ताइवान, मेसोपोटामिया, इराक, बर्मा, म्यांमार। हरारे, सैली सबरी, इथोपिया, एबिसिनिया, घाना, गोल्ड कोस्ट, किंसांसा, लियोपोल्डी विले। और जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिण रोडेशिया के नाम से। भौगोलिक उपनाम। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। नियाग्रा प्रपात न्यूयॉर्क राज्य में है। हजारों झीलों की भूमि है फिनलैंड। एफिल टावर पेरिस। विश्व की छत पामीर। अंधद्वीप अफ्रीका। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती है बहरीन। धूमनगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। पूर्वी समुद्र का ये स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है ब्यूनर्स आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसमें को
ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है केंटुकी। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तानबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड। सूर्य उदय का देश नाम से प्रसिद्ध है जापान। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। शहरों का शहर कहलाता है वेनिस। स्वर्ण द्वार का नगर कहलाता है सैन फ्रांसिस्को। जलमंडल सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है। मध्य महासागरीय कटक है 90 East Ridge स्थित है हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फियर से कम तनाव पर। लवणता महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेल्कोलाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील जो कि टर्की में है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 36 PPT। विश्व की नदियाँ अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं रवांडा बुरंडी DR कांगो केनिया इथोपिया सूडान दक्षिण सूडान एवं मिस्र। नीली नील ब्लू यर नदी निकलती है ताना झील से। और कथन निष्कर्ष देखते हैं। कथन है मिस्र नील नदी का उपहार है और कारण है कि वह सारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। तो इसमें क्या है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नदियों के किनारे स्थित नगर कौन से हैं? खार्तूम हो गया नील नदी, न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे पर और बर्लिन है स्प्री नदी, पेरिस है सीन नदी के किनारे पर, वाशिंगटन DC है पोटोमेक नदी पर, मैड्रिड है मेजेन रेस नदी पर। नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां पर नहीं होते हैं गहरा समुद्र। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रैंड कैनियन है एक खंड है, गॉर्ज है चिसा पानी गॉर्ज स्थित है नेपाल में। अब देखते हैं द्वीपों के बारे में। द्वीप वह द्वीप समूह जिसका सीप द्वीप कहा जाता है फरो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है न्यू गिनी।